कॉफी पीते हुए। और अभी 6 बजे साला कर्टन भी नहीं हिल रहा, और 6 बजे इतनी धूप आ रही है कि बात मत पूछो। मुझे लिटरली यहाँ पे अभी गर्मी लग रही है अगर मैं ये विंडो खोल रहा हूँ सुबह के 6 बजे। 8-9 बजे जैसा माहौल है, बहुत गर्मी लगने वाली ऐसा लग रहा है मेरे को आधे रास्ते तक। और कल भी क्या बताऊँ, कल भी पंजाब में बहुत गर्मी लगी, बहुत ही ज़्यादा। और गर्मी के टाइम में ही बाइक भी खराब हुई एकदम फुल ऑन, जब गर्मी होती है ना उसी टाइम में। फिर भी अच्छा है, हम लोग बहुत जल्दी पहुँच गए यहाँ पे। तो अभी ये जो काम झाम पड़ा है उसको पैकिंग करते हैं और निकलते हैं। बस बस सर, मेरा आंधी है, दस दस कर दी, कर दो अभी छुट्टा, मेरे पास 2 रुपया नहीं है। आपको बोला तो सही है, क्या करते हैं, बच्चे की जान ले लोगे। आई बस बस अभी ज़्यादा कर दो, फिर बोलोगे 720 कर दो। फिर मैं कहाँ डालूंगा, अभी उसका टंकी फुल हो गया। रिकॉर्डिंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 7 बजे का टारगेट था, 8:30 बज चुके हैं, थोड़ा टाइम पास ज़्यादा हो गया। तो निकल चुके हम लोग होटल से और प्लान है थोड़ा बहुत आगे जाके नाश्ता करने रुकेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार यहाँ पे, सुबह 6 बजे से ही गर्मी गर्मी फील हो रही है, हाई गर्मी। तभी 260 किलोमीटर जाना है 2 बजे का रीच। ये बंदर देखो कैसे बैठे हुए यार, वो वाला ही अपने को लेना था जो मिस किया। ये टायर में थोड़ी फट रही है, पर वैसे तो फील नहीं हो रहा है, पर फट रही है ब्रेक मारने में, बहुत कुछ करने में आई गैस ऐसे करके बोल रहा हूँ मैं, वही है शायद। तो बहुत साल हो गए उसके, वहाँ पे गया था मैं, अभी तो पता नहीं कितना डेवलप कर दिया होगा वहाँ पे, तब भी डेवलप तो था ही। और नदी तो पूरी सूखी हुई है यहाँ पे, जितनी भी जगह पे जम्मू में घुसे हैं तब से देख रहे हैं नदियाँ पूरी सूखी हुई है, एक बूंद पानी नहीं है, है तो सिर्फ पत्थर और कंकड़। अभी धीरे धीरे थोड़ा टेम्परेचर डाउन हुआ है, थोड़ा जो वहाँ पे जम्मू में हॉटनेस जो फील हो रही थी ना वो थोड़ी गायब हो चुकी है। और अभी सोच रहा हूँ कि उधमपुर में जाके रुकेंगे और थोड़ा नाश्ता कर लेंगे, 40 किलोमीटर है यहाँ से। कुछ दूर चलते ही रास्ता ख़राब आ गया, अभी काम चालू है यहाँ पे, पता नहीं शायद लैंडस्लाइड हुआ होगा ऐसा लग रहा है, या फिर रास्ता बनना ही बाकी है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं यहाँ से जा रहा था ये हाईवे का काम चालू था। मैं तो साइड से निकल के आ गया, वो भैया और भाभी पीछे है। नहीं, ये शायद इतना सा लैंडस्लाइड या ऐसा कुछ हुआ होगा उसमें खराब हो गया, वो उतना ही पार्ट है। तो ये है श्यामा प्रसाद, पता नहीं कौन सा टनल। टनल ही टनल, लेट्स गो फनल,
इतना लंबा है यार, ये देखा नहीं मैंने कितना लंबा होगा। 7981 बहुत लंबा है, बहुत 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 ही लंबा। पूरा डुंगरा के वो चीर के चले जाएंगे ऐसा लग रहा है मेरे को। भाई साहब अभी तो अपन आधे में पहुंचे हैं, मैप में देखो 4-5 किलोमीटर का होगा, अभी भी बाकी है। बहुत ही लंबी टनल है ये, अभी भी उसका एंड नहीं दिख रहा है। सबको ओवरटेक करके जाएगा तेरा फैजल। पता नहीं क्यों ये ट्रैफिक हो गया, यहाँ तक तो पूरा खाली था। ओके ये ठरक आ गया उसके वजह से। बहुत ही ठंडा है, ठंडा अनुभव आ रहा है यहाँ पे। ये तो कुछ ज़्यादा ही लंबा टनल है, अभी भी नहीं ख़त्म हो रहा। मतलब कितना कितना लंबा जाओगे बे? और ये बैटर वाइज का कैसे चला गया वो पता नहीं चल रहा है, हमने तो फुल वा चार्ज किया था। ठरक वाले ने थोड़ा ठरकीपन दिखाते हुए हमको ठरक से दबा दिया था। शायद अभी तो आएगा एंड, पर टेम्परेचर एकदम सही डाउन हो गया, एकदम हाथ में ठंडी ठंडी हवाएं लग रही है। बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है हमें। और यहाँ पे एग्जॉस्ट है। फाइनली टनल ख़त्म। Recording. तो यहाँ पे थोड़ा चाय नाश्ता किया और अभी निकलते हैं आगे, शायद पटनी टॉप जाके फिर से रुकेंगे। हमको लगा कि पटनी टॉप थोड़ा दूर है तो थोड़े पहले ही रुक गए। हर थोड़े डिस्टेंस पे यहाँ पे टनल्स आ रही है, तो मतलब लग रहा है कि 5-6 सालों में तो पूरा हाईवे स्ट्रेट हो जाएगा। लगता है कुछ ट्रक नहीं निकल रहा है इसीलिए रिवर्स मरवा के जगह करवा रहे हैं। मेरे को लगा कुछ हो गया जगह के, दो ट्रक सामने आ गए थे, रास्ता अटक गया था, ट्रक ही अटक गया था, रास्ता क्या अटकेगा। और अपने बाजू में खाई है, वदिया वदिया नज़ारे हैं। बहुत छोटा सा रोड है, यहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत होता होगा और लैंडस्लाइड हो के रोड इतना छोटा हो गया शायद।
धीरे धीरे ऑफ रोड भी थोड़ा थोड़ा आने लग गया है, ख़राब रास्ता, पता नहीं ऐसा रास्ता कहाँ तक है अभी, बहुत ही लगता है बैनियाल तक ऐसा ही होगा शायद, लास्ट टाइम भी ऐसा था बैनियाल से बहुत बेकार रास्ता था। तभी तो हम कहाँ पर है मुझे भी नहीं पता, पर 100 किलोमीटर बचा है अभी। और ये हमारे आगे का जो ट्रक है वो है अल्ताफ चौधरी 0063 यूट्यूब चैनल, देखना पड़ेगा। नहीं हाल बहुत ही बेहाल है अभी, बहुत सारा ट्रैफिक है यहाँ पे, ये देख रहे हो आप, मैंने क्रॉस कर लिया और उसके आगे इतना लंबा यहाँ पे लाइन लगा हुआ है। और ऐसे नमूने आ रहे हैं सामने से, मतलब चढ़ाई देना है ऊपर। ओ भाई साहब यहाँ पे भी लाइन लगी हुई है, पता नहीं किस चीज़ की लाइन लगा के रखी है, पर लाइन तो लगी हुई है। आज तो क्या ही रिफ्यूल होगा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ही ज़्यादा। I got no perception. What is real? What's your projection? I make you dizzy in your head, got no protection. You're lost in the game, can't remember your name. Calling on the horn and the sheep will come to play. You can get no sleep, stay awake, turn on the pain. Make you save your problems for another day. I'm your getaway, but you can get away. You just close your eyes when you wish to be free. You look up to the sky. वेलकम टू नवयुगा प्रोजेक्ट। ये क्या है नवयुगा, कभी कभी लगता है पुनीत भगवान है। ये गाड़ी वाले आके फोटो खींच रहे थे हमारे। और यहाँ पे वादियों में बारिश चालू हो गई है और ये आ गई नई टनल, ये आ गई नवयुग जो भी योजना थी वो, और उसकी टनल। तो ये सबसे लंबी टनल है जेके की, ऐसा हमको वो भैया बोल रहे थे वहाँ पे मिले थे वो। और ये जैकबा, फाइनली टनल ख़त्म।
बात हजम और अपन पता नहीं कितना लंबा डिस्टेंस कट कर ली है टनल की वजह से, जो कि नॉर्मल रूट पे बहुत लंबा होता। हाय, तो हम लोग आज श्रीनगर पहुंच चुके हैं और श्रीनगर पहुंचते टाइम तो नहीं लगा था, पर होटल ढूंढते बहुत टाइम लगा क्योंकि बहुत रश है यहाँ पे। अभी कोई आ रहा है तो आपको बोलता हूँ, मैं थोड़ा एडवांस में देख लेना। थोड़ा होटल ढूंढने में थोड़ा दिक्कत हुआ पर मिल गया, थोड़ा दूर है, ओयो पे मिल गया, थोड़ा स्पूकी लोकेशन भी है। तो अभी टूरिस्ट का रश बहुत ज़्यादा है, अगर आप आ रहे हो तो याद रखना। तो अभी फ्रेश हो जाते हैं और आगे का काम जाम देखते हैं क्या करना है। बाहर खाने जाएंगे शायद, यहाँ पे खाना भी नहीं है। और हमारा जो केयर टेकर है प्रॉपर्टी का, बहुत बढ़िया है, तो ठीक है, उसने हमें कावा पिलाया, दैट्स इट। जम्मू टू श्रीनगर कंप्लीट और आगे की बात आगे करेंगे। जम्मू टू श्रीनगर का हाईवे बहुत अच्छा है अभी, बहुत ही अच्छा। जो 2019 में जो हालत थी हाईवे की उससे बहुत ही बढ़िया है और बहुत सारे टनल्स बन चुके हैं। और एक लास्ट में सबसे लंबा टनल आता है बैनिहाल के बाद में। बैनिहाल में ट्रैफिक लगेगा और बैनिहाल से आगे तो बस मक्खन रोड है एकदम। और बैनिहाल के उस साइड भी अच्छा रोड है, बस थोड़ा बीच में थोड़ा बहुत पैच था, वो छोटा था,
बाकी सब एकदम बढ़िया, एक्सपल्स परफॉर्मिंग एकदम बेस्ट, मज़ा आ रहा है एक्सपल्स पे। बस खाली हाईवे पे ऐसा लगता है थोड़ी स्लो जा रही है, पर 80, 90, 95 आराम से जा रहा है, क्योंकि मैंने टायर्स जो है वो ऑफ रोड वाले लगा के रखे हैं, तो उस वजह से उसके वही रीज़न है जिससे थोड़ा बहुत स्पीड में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि ब्रेकिंग का थोड़ा इश्यू हो जाएगा उसमें, तो उस वजह से थोड़ी स्पीड कम रख के चलता हूँ, बाकी सब एकदम चंगा। तो यहाँ पे करते हैं वीडियो को क्लोज और मिलते हैं आपको कल सुबह। कल सुबह का प्लान है दाल लेक और ये सब घूमेंगे। साइनिंग ऑफ, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, राइड सेफ, राइड हार्ड।